Now we learn English alphabet. मैं यहाँ से बोलूंगी, ऐसा आपको भी मेरे साथ रिपीट करना है. पेरेंट्स प्लीज बच्चों को बताएं कि जैसा मैम बोले उनके पीछे उनके साथ में रिपीट करें. स्टार्ट. ये क्या है? ए. ए फॉर एप्पल. बी. बी फॉर बॉल. सी. सी फॉर कैट. डी. डी फॉर डॉग. ई. ई फॉर एलिफेंट. एफ. एफ फॉर फिश. जी. जी फॉर ग्रेप्स. एच. एच फॉर हैम. I. I for ice cream. J. J for joker. K. K for kite. L. L for lion. M. M for monkey. N. N for nest. O. O for orange. P. P for parrot. Q. Q for queen. R. R for rose. S. S for sun. T. T for tiger. U. U for umbrella. V. V for van. W. W for watch. X. X for Xmas tree. Y. Y for yak. And last Z. Z for zebra. Very good. आपको पता है इंग्लिश में 26 अल्फाबेट हैं. Now we arrange alphabet letters. Do you know how many alphabet letter in English? Yes, 26. Very good. Let's arrange letters. First letter. कौन सा है ये? बताओ. Yes, very good. K for kite. K for kite कहाँ पे आता है? Yes, J for joker के बाद आता है K for kite. ये वाला कौन सा letter है? R for rose and R for rabbit भी होता है. ये वाला कौन सा letter है? ये तो आपको पता ही है सबको. Alphabet first letter. A for apple. Very good. ये वाला कौन सा letter है? Yes, U for umbrella. U for umbrella किसके बाद आता है? T for tiger के बाद आता है U for umbrella. ये कौन सा letter है? I for ice cream. I for ice cream किसके बाद आता है? H for house के बाद आता है I for ice cream. अब हम लेते ये वाला. ये कौन सा letter है? Yes, B for ball. B for ball किसके बाद आता है? A for apple के बाद आता है B for बॉल. अब आ रहा है एल. एल फॉर लायन. लायन कहाँ पे रहता है? जंगल में. वेरी गुड. अब आ रहा है ये क्या है बताओ? यस. एस फॉर सन. एस फॉर सन किसके बाद आता है? आर फॉर रोज के बाद आता है एस फॉर सन. अब आ रहा है ई फॉर एलिफेंट. ई फॉर एलिफेंट किसके बाद आता है? डी फॉर डॉग के बाद आता है ई फॉर एलिफेंट. अब आ रहा है ओ. ये क्या है? ये कौन सा लेटर है? ये है डी फॉर डॉग. यस, वेरी गुड. अब आ रहा है ओ सर्कल. ओ. ओ फॉर
ऑरेंज। और फॉर अरेंज किसके बाद आता है? एन फॉर नेस्ट के बाद में की ओ फॉर ऑरेंज। अब है यस व्हाट इज दिस? एफ फॉर फीस। एफ फॉर फीस कहाँ पे आएगा? ई फॉर एलिफेंट के बाद में। ई फॉर एलिफेंट कहाँ पे है? ये रहा ई फॉर एलिफेंट। इसके बाद आएगा एफ फॉर फीस। अब आ रहा है एच। एच फॉर हैन। और एच फॉर हाउस भी होता है। अब आ रहा है व्हाट इज दिस? दिस इज पी फॉर पैरोट। पी फॉर पैरोट किसके बाद आता है? और फॉर ऑरेंज के बाद आता है पी फॉर पैरोट। अब आ रहा है जी फॉर ग्रेप्स। जी फॉर ग्रेप्स किसके बाद में आता है? एफ फॉर फिश के बाद में आता है जी फॉर ग्रेप्स। अब आ रहा है क्या है ये? यस एन फॉर नेस्ट। एन फॉर नेस्ट कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। चलो अब आ रहा है ओ वी। वी फॉर वैन, जिसमें आप बैठ के स्कूल आते थे, है ना। अब आ रहा है ये कौन है? ये तो है जे फॉर जोकर। अब आ रहा है हमारा ये क्या है? ये देखो अच्छे से। यस सी फॉर खेत। सी फॉर खेत किसके बाद आता है बताओ? ए बी सी। बी फॉर बॉल के बाद आता है सी फॉर खेत। अब आ रहा है कौन है ये? टी। टी फॉर टाइगर। टाइगर भी कहाँ पे रहता है? जंगल में रहता है। वेरी गुड। अब आ रहा है क्या है ये? क्यू। क्यू फॉर क्वीन। क्यू फॉर क्वीन किसके बाद आता है? देखो यहाँ पे पी फॉर पैरोट के बाद आता है क्यू फॉर क्वीन। अब आ रहा है वाई। वाई फॉर याक। अब आ रहा है डब्ल्यू। डब्ल्यू फॉर वॉच। अब कौन आ रहा है? ये क्या है? ये डब्ल्यू फॉर वॉच है क्या? नहीं, डब्ल्यू फॉर वॉच तो हमने लगा दिया। ये है एम। एम फॉर मंकी। अब आ रहा है यस व्हाट इज दिस? एक्स। एक्स फॉर एक्समस ट्री। एंड लास्ट हो गया फिनिश? कुछ बाकी है क्या? हाँ बाकी है ना, अभी तो एक लेटर बाकी बच गया। ओ ये रहा क्या है ये? लास्ट लेटर जेड। जेड फॉर जीब्रा। ये वेरी गुड। क्लैपिंग फॉर एवरीवन। थैंक यू।